उत्तराखंड सरकार के कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में युवाओं के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य राज्य के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इन्हीं योजनाओं में से एक है विदेश रोजगार योजना, जिसके तहत उत्तराखंड के युवाओं को जापान में रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। इस वर्ष एल्डरली केयर गिवर के क्षेत्र में 23 युवाओं का चयन हुआ है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के विजन के अनुरूप राज्य के कई छात्रों को विदेश में रोजगार मिल रहा है और इसी क्रम में स्किल डेवलपमेंट बैच के कुछ छात्र आगामी 17 अक्टूबर को जापान जाने वाले हैं। आज मैं मास्ते महत्व मौसमास कितना इन दोनों उत्तराखंड नो देहरादून कारा मायरी माशता। नमस्कार, मेरा नाम महकावत है, मैं उत्तराखंड देहरादून सासपुर की निवासी हूँ। मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट का धन्यवाद करना चाहूँगी कि TIPT प्रोग्राम के द्वारा मुझे जापान जाने का अवसर मिल रहा है और मैं और लोगों को भी बोलना चाहूँगी कि इस प्रोग्राम से जुड़े और अपने विदेश जाने का सपना पूरा करें। धन्यवाद। अजय मशीता है प्रशांत मौसेवास वाता सेवा उत्तराखंड और रुद्रपुर कारामारी मशीता दो जो योजे होने वैसे मास। मेरा नाम प्रशांत कुमार है और मैं उत्तराखंड के रुद्रपुर का निवासी हूँ। मैं उत्तराखंड सरकार के द्वारा जापान जाने का अवसर प्राप्त हुआ है मेरे को, इसलिए मैं उत्तराखंड सरकार को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ जो मेरे साथी हैं इस प्रोग्राम में भाग लें और अपने विदेश जाने का सपना को पूरा करें। मेरा नाम अमित रावत है, मैं उत्तराखंड कोटद्वार पोटेराल का रहने वाला हूँ और TIPP प्रोग्राम के अंदर मैंने 3 महीने जापानीज लैंग्वेज सीखी, जिसके कारणवश मुझे जापान में वर्क करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं अपने युवाओं को कहना चाहूँगा कि आप भी TIPP प्रोग्राम के अंदर स्किल डेवलप कीजिए और विदेश में रोजगार करने का मौका पाए। हाजी मैं माशिते आकांक्षा तो मोशीमास उत्तराखंड और देहरादून कारा मायरी माशिता। मेरा नाम आकांक्षा बर्थवाल है, मैं उत्तराखंड के देहरादून में रहने वाली हूँ। मैं TIPP के प्रोग्राम के अंतर्गत जापान जाने का मुझे मौका मिल रहा है, जिसके लिए मैं उत्तराखंड सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहती हूँ वह भी इस प्रोग्राम से जुड़े। मेरा नाम प्रियांशु है, मैं रुद्रपुर उत्तराखंड में रहता हूँ। TIPP के प्रोग्राम के द्वारा मुझे जापान जाने का अवसर प्रदान हुआ है, जिसके लिए मैं उत्तराखंड सरकार का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस योजना का उद्देश्य राज्य के युवाओं की कौशल क्षमता को न केवल बढ़ाना है बल्कि उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करना भी है।